इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेटर नोएडा में कौन कौन से ऐसे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे BCA काफ़ी अच्छा कराया जाता हो, एंड इस वीडियो में हम किसी भी कॉलेजेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपको टॉप 5 BCA कॉलेजेस के बारे में जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो। एंड अगर आप ये जानना चाहते हो कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। एंड इस वीडियो में जिन भी यूनिवर्सिटीज़ का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप उन यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात करना चाहते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, हम उनसे आपकी बात करा देंगे, जिससे आप रियल फीडबैक ले सकते हो कि कॉलेज कैसा है, कैसा वहाँ पे प्लेसमेंट होता है, सारी चीज़ें आप जेन्युइन जान सकते हो। बदले में बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी को हमने इंक्लूड किया है, बेनेट यूनिवर्सिटी को। ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी आपको ग्रेटर नोएडा में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका अंदर का जो भी कैंपस एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी हाई है, काफ़ी लग्जेरियस है। तो इसमें अगर आप पढ़ लेते हो तो प्लेसमेंट वगैरह का तो टेंशन लेना ही नहीं है। तो देख लेते हैं कि कब बना था। फाउंडेशन ईयर इसकी 2016 में ये यूनिवर्सिटी की बनी है। एंड अगर हम इसके कैंपस एरिया की बात कर लें तो 68 एकड़ में ये कैंपस बना हुआ है। एंड अगर हम इसके टाइप की बात कर लें तो ऑटोनोमस है ये यूनिवर्सिटी। एंड फीस की बात कर लें तो 7,35,000 इसकी टोटल फीस आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर आप प्लेसमेंट की बात कर लें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया हुआ है वो 18 लाख का, एंड जो एवरेज गया हुआ है वो 6 लाख का। इसमें प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, आपका बहुत आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड अगर हम इसमें टॉप रिक्रूटर्स की बात कर लें तो गूगल, L&T, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, महिंद्रा, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, क्योंकि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे कंपनीज़ का कोई शॉर्टेज नहीं रहेगा, कंपनीज यहाँ पे आती रहती हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। इस कॉलेज के भी आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, इसका नाम है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात कर लें तो 2008 में यूनिवर्सिटी बनी थी। एंड कैंपस एरिया की बात कर लें तो काफ़ी बड़ा कैंपस एरिया आपको 511 एकड़ में देखने को मिलेगा। एंड अगर हम इसके टाइप की बात कर लें तो स्टेट गवर्नमेंट इस यूनिवर्सिटी को रन करती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये। एंड अगर हम इसकी फ़ीस की बात कर लें तो टोटल जो फीस इसमें लग रही है वो 2,10,000 की लग रही है। एंड अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात कर लें तो हाई जो प्लेसमेंट गया है वो 8 लाख का गया हुआ है, एंड जो एवरेज प्लेसमेंट गया हुआ है वो 3,50,000 का गया हुआ है। एंड टॉप रिक्रूटर्स कंपनी की बात कर लें तो ओयो, TCS, हुंडा, SCL, एक्सिस बैंक, एक्वागार्ड और भी ऐसी मोर कंपनीज विजिट करती रहती हैं इस कॉलेजेस में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज। इस यूनिवर्सिटी का नाम है अमेठी यूनिवर्सिटी। आप सभी काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टेट में इसकी एक ना एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसके फाउंडेशन ईयर की हम बात करें तो 2011 में ये यूनिवर्सिटी बनी है। एंड कैंपस एरिया की बात कर लें तो 286 एकड़ में पूरी यूनिवर्सिटी बनी है, तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। एंड अगर हम इसके टाइप की बात कर लें तो ऑटोनोमस ये भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एंड फीस की बात कर ले तो 5,68,000 इसकी टोटल फीस है। एंड इसके प्लेसमेंट की हम बात कर लें तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 10,90,000 का, एंड जो एवरेज प्लेसमेंट गया है वो 5,97,000 का गया है। एंड अगर हम इसके टॉप रिक्रूटर्स की बात कर लें तो डेल, डेलॉयट, L&T, इन्फोसिस, IBM, SCL एंड और भी मोर कंपनीज इसमें विजिट करती हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का भी नाम आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। इस यूनिवर्सिटी का नाम है शारदा यूनिवर्सिटी। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात कर लें तो 1996 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। एंड अगर हम इसके कैंपस एरिया की बात कर लें तो 180 एकड़ में टोटल कैंपस पूरा बना हुआ है। एंड अगर हम इसके टाइप की बात कर लें तो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। एंड फीस की बात कर लें तो 4,64,000 इसमें टोटल फीस आपको लगेगी। एंड प्लेसमेंट की बात कर लें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 9 लाख का गया है, एंड एवरेज प्लेसमेंट जो गया है वो 5,65,000 का गया है। अगर टॉप रिक्रूटर्स कंपनी की बात कर लें तो विप्रो, Naukri.com एंड टेक महिंद्रा, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज विजिट करती हैं इस कैंपस में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, क्योंकि इसके नाम से एक और कॉलेज भी चलता है, क्योंकि कॉलेज बहुत फेमस है तो उसी के नाम पे यूनिवर्सिटी बना ली है। तो इसमें भी काफ़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलती है, कॉलेज में सीट फुल हो जाती है तो इसमें एडमिशन बच्चों का डाल देते हैं, जिससे फिर बच्चे बगावत करते हैं कि नहीं हमें कॉलेज में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है, तो अक्सर बवाल देखने को मिलता है। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात कर लें तो 2011 में ये यूनिवर्सिटी बनी है। एंड अगर हम इसके कैंपस एरिया की बात कर लें तो 52 एकड़ में इसका पूरा कैंपस बना हुआ है,
टाइप की बात कर लें तो ऑटोनोमस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एंड अगर हम इसकी फ़ीस की बात कर लें तो टोटल फ़ीस जो इसकी लगेगी वो आपको 2,61,000 लगेगी। एंड अब प्लेसमेंट की हम बात कर लें तो हाईएस्ट जो प्लेसमेंट गया हुआ है वो 6 लाख का गया हुआ है, एंड जो एवरेज प्लेसमेंट गया हुआ है वो आपको 3,10,000 का देखने को मिलेगा। एंड अगर हम टॉप रिक्रूटर्स की बात कर लें तो TCS, बायोजूस, एसेंचर, ATS इंडिया, वीवो और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज इसमें विजिट करती हैं। तो ये रहे BCA के लिए टॉप 5 यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दो। एंड अगर आप किसी भी स्टूडेंट से बात करना चाहते हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपकी उनसे बात करा देंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।